होटल में रुकने वाले क्योंकि कृष्णा ने बोला है। अगर उसने बोला है तो उसकी इच्छा पूरी तो करनी पड़ेगी। तो आपको मैं ना हमारी रूम दिखाती हूँ, ये देखो। तो कृष्णा को ऐसी बड़े होटल में रुकना है एंड एंजॉय करना है, तो हम आज नासिक में ही रुक गए। बट हमें रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए भी तो हमारे घर जल्दी पहुंचना है। बोल बच्चे, क्या मंगाने का? देखो तो ये देखे। क्या रुक, देखने तो दे, पढ़ने तो दे, क्या क्या है इसमें? पिज्जा भी है इसमें और हक्का नूडल्स भी है। पिज्जा मत मंगा। हक्का नूडल्स खाएगा बच्चे? हाँ यार, राइस मंगा लो। हक्का नूडल्स? हाँ ठीक है, फिर ऑर्डर दे दे तू ही। तू देता? हाँ ठीक है, रुक। कहाँ है फोन? चल ऑर्डर देंगे। कर बटन है। बटन दबा। एक 109 में हक्का नूडल्स भेज दो। देखो तो हाँ, मैं ना रूम से थोड़ा सा बाहर है ऐसे घूमने के लिए। बच्चे यहाँ पे अच्छा है ना, मेरी रील भी बन जाएगी। एकदम खुला खुला है ना, लाइट्स भी आ रहे हैं। एक काम कर, मेरी रील बना देना। मैं आराम कर रहा। क्या करूँ? आराम, इधर रख के बना ले। ऐसे ही करता है यार, नहीं बनाता। कट्टी 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 कट्टी, क्यों तूने मेरी बात नहीं सुनी? तो मत सुनूंगा मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा नासिक में सेकेंड डे, और हाँ, कृष्णा और पापा दोनों नीचे चले गए। किस लिए पता है? ब्रेकफास्ट के लिए। उनको है ना सुबह सुबह भूख लग गई, इसलिए वो नीचे चले गए और हमको ऐसे ही छोड़ दिया। मम्मी आप रेडी हो? हाँ। वैसे मैं रेडी हो रही थी, इसीलिए हम ऊपर ही रुके। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आओ मम्मी, आप आओ। सबसे कोने में बैठे होंगे पापा। लगा ही था, तुमने स्टार्ट भी कर दिया नाश्ता मेरे लिए। रुका नहीं बच्चे, तू क्या खा रहा? कृष्णा को और रुकना था होटल में, लेकिन हमें रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए भी तो जल्दी से घर जाना था। तो हमने कृष्णा को समझाया कि ब्रेकफास्ट के बाद हम घर चले जाएंगे, और वो मान गया। सो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हमारे घर औरंगाबाद, क्योंकि कृष्णा को आज यहाँ पे रुकना था, उसको ढेर सारा एंजॉय करना था। उसने बहुत सारा एंजॉय किया और हमको भी बहुत अच्छा लगा। और बस ऐसे ही एक नींद लेके हम पहुंच गए सीधे हमारे सिटी औरंगाबाद। तो मैंने ना आपको ज्यादा ट्रैवलिंग वाला वीडियो दिखा के ना बोर नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कार वाला वीडियो देख के आप भी बोर हो जाते होंगे। तो अभी हम लोग है ना औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। तो है ना मुझे अभी सबसे पहले जाना है कल्याणी मैम के पास, मुझे अपने थोड़ा बालों का हेयर स्टाइल वगैरह चेंज कराना है और भी कुछ काम है, क्योंकि कल 26 जनवरी है। तो एकदम मस्त मैं रेडी होके जाऊंगी ना बाहर। तो पापा आप एक काम करो, पार्लर छोड़ दो हमको और आप और कृष्णा घर चले जाओ। ठीक है, बच्चे आ गया घर। तो पापा अभी हमको है ना इधर ही ड्रॉप करेंगे, हम रिक्शा से चले जाते हैं। ठीक है पापा, आप दोनों घर पर जाओ, नहा के अच्छे से रेडी हो जाओ। ठीक है? हाँ। बच्चे नहा लिया तू? हाँ। अब पापा को क्या बताओ कि पार्लर में टाइम तो लगता ही है ना यार। चलो आ गए हम लोग पार्लर। शाम में बैठने के बाद है ना बाल की हालत ऐसी ही हो जाती है, देखो कैसे ऐसे हो गए मेरे बाल। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या करना है। मुझे हेयर स्पा करना है बालों के लिए, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब और ड्राई हो गया। फिर उसके बाद में मैनीक्योर पेडिक्योर कराना है। सो चलो। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैम को कैसे पता चला? पेट में Thank you.
मेरा बहुत। मम्मा के गले लगेगा तू। मोबाइल दो उसको अभी पहले। पब्लिक डे की रैली देख के मुझे भी अपने गांव के स्कूल डेज याद आ गए। मैं भी ऐसी ही रैली में जाया करती थी और जोर जोर से नारे लगाया करती थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की। भारत माता की जय। देखा सुबह सुबह कैसे पूरे स्कूल की रैली आई थी। जब मैं स्कूल में थी ना तो हमारी रैली भी ऐसे जाया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे रैली देख के, मतलब मुझे है ना अपनी स्कूल की याद आ गई। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ ना, तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है हमारे तिरंगे को सल्यूट करने के लिए। सो मैं आ गई हूँ टेरेस पे क्योंकि है ना मुझे मेरे लाउड स्पीकर में है ना देशभक्ति गीत बजाने हैं, वो भी एकदम फुल वॉल्यूम में, क्योंकि है ना सभी ने ना देशभक्ति गीत सुनने चाहिए, स्पेशली बच्चों ने। चलो ये वाला लगाती हूँ पूरा। यार अपने देशभक्ति गीत की है ना बात ही कुछ और होती है। जैसे ही गाना स्टार्ट हुआ ना वैसे गूज़बम्प्स आना स्टार्ट हो गए। सो मैं नहा के आ गई हूँ। अभी मुझे है ना अपने बाल कर्ल्स करने थोड़े से। देखो कैसे हो गए हैं मेरे बाल, स्ट्रेट बाल अच्छे ही नहीं लगते, तो थोड़ा सा लुक भी चेंज होगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये रहा कर्लर, इसको मैं गरम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम कर्ल करेंगे। देखो अगर अर्जेंट में हेयर कर्ल करना हो ना तो ऐसे ऊपर हाई पोनीटेल बांध लेनी चाहिए, और फिर रुको मैं एक एक करके कर्ल करके दिखाती हूँ, और फिर ऐसे कर्ल करना चाहिए। राइट, देखो इतने कर्ल्स कर लिए मैंने सामने के जितने मुझे आते थे, लेकिन अभी पीछे से है ना मम्मी को एक कर्ल करना पड़ेगा। तो मम्मी जैसे ही आती है फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ थोड़ी हेल्प करने के लिए। अब बताओ मेरे कर्ली हेयर्स कैसे लग रहे हैं? मम्मी आप बताओ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो मैंने है ना फर्स्ट टाइम घर पे कर्ली हेयर्स किए, इसलिए इतने परफेक्ट नहीं आए, लेकिन देखो ठीक ठाक कर लिया मैंने। मैं क्या पहनूं? व्हाइट ड्रेस, वो लॉन्ग वाला जो पापा ने गिफ्ट किया। हाँ ठीक है, वही सही रहेगा। तो ये ड्रेस के बारे में मम्मी बात कर रही थी। ये ड्रेस है ना मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पे, है ना एकदम मस्त व्हाइट कलर में। देखो ये जो वेस्टर्न सेट है ना आज मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, कितना सुंदर है ना। चलो मैं पहन लेती हूँ इसको। चल जल्दी से। क्रांति चौक में, तो वहाँ पे आ जाना, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा और बहुत सारी भीड़ भी होगी। यार ये सेलिब्रेशन ही तो है जो लोगों को इकट्ठा करता है, चाहे छोटा सेलिब्रेशन हो या बड़ा, सब सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों पापा? फिर सेलिब्रेशन की वजह से तो लोग घर से बाहर निकल के आते हैं और एकजुट होते, एक साथ होते। हाँ। तो एक साथ होना ही ताकत रहती। तेरे पापा ना रात को ना मेरे रील्स देखते रहते छुप छुप के। वाह, मैंने भी एक दो बार देखा है पापा को, एक ही रील पापा है ना चार पांच बार देख लेते हैं। स्टॉक करते रहते हो मुझे। हाँ स्टॉक करते रहते। तो पापा से सामने स्टॉक किया करो ना रील में क्या।
नहाने में? नहा के आई हो गया तो हम भी तो नहाए ना है? तो मुझे ना सनरूफ से बाहर निकलना था, इसीलिए मैं ना पीछे आके बैठ गई। अभी हम क्रांति चौक पहुंचेंगे ना, तो मैं सनरूफ से बाहर निकलूंगी। पापा पहले खोल के रख देना सनरूफ। ये है हमारा क्रांति चौक। अंग्रेजों के जमाने में जो वीर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन वीरों को इस चौक पे फांसी पे लटका दिया जाता था। और आज देखो, इसी चौक पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज खुद खड़े हो गए। आज जब उन वीरों की आत्मा छत्रपति शिवाजी महाराज को उस चौक पे खड़ा देखती होगी, तो उनको बहुत शांति मिलती होगी। तो लिख दो कमेंट में, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देख रहे हो उधर तिरंगे की साइड कितना सारा क्राउड है, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही, इसलिए हम सामने गाड़ी पार्क करेंगे, फिर जाएंगे वहाँ पे तिरंगे के पास। पापा गाड़ी पार्क करके आ जाएंगे, वो देखो हो रहा है वहाँ पे हमारा तिरंगा, वहाँ पे जा रहा है हमें पैदल चलना। देखो ना कितना खुशी का माहौल है, और सब लोग कितना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस माहौल को। और मैं जब छोटी थी ना, मैं तब से यहाँ पे आती हूँ हमारे तिरंगे को सल्यूट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत। इतने सारे फैंस से मीटअप हुआ, तो किसी ने पापा से पूछा, क्या आप इनके बॉडीगार्ड हो? और पापा ने उनसे कहा कि हर बाप अपनी बेटी के लिए लाइफ टाइम बॉडीगार्ड ही होता है। मुझे ऐसे बाहर निकल के सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, वहाँ पर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल पर्सन वेट कर रही थी। मैं उसे नहीं जानती, बट मुझे क्या पता था, उससे मिलने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील होने वाला था। मैं तो यहाँ बहुत बिजी हो गई सबके साथ फोटोज क्लिक करने में, एंड वो स्पेशल गर्ल मेरे मम्मा से पहले मिली। जिस स्पेशल गर्ल से आज मैं मिलने वाली हूँ, वो एक दिव्य लड़की है। उस प्यारी सी लड़की से अनजान में भीड़ में बहुत दूर थी, और वो मुझे ही ढूंढ रही थी, या शायद भगवान ने ही हमारा मिलना आज यहाँ लिखा था इस तिरंगे के नीचे। मैंने उसके साथ नॉर्मली फोटो क्लिक किया, मुझे नहीं पता था कि वो बोल नहीं सकती और ना सुन सकती है। फिर मुझे पता चला कि वो सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती, फिर भी वो मुझे और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करती है। तो मेरे लिए ना ये बहुत प्राउड का मोमेंट है, ये दीदी है ना बात भी नहीं कर सकती और सुन भी नहीं सकती, और इनको मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। थैंक यू सो बोल नहीं सकती, फिर भी मैं उसकी लैंग्वेज साफ साफ समझ रही थी, क्योंकि वो मुझसे दिल से बात कर रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि उसे मैं बहुत पसंद हूँ। ये प्यार कमाया है बिंदास काव्या ने। जो मेरे वीडियो सुन नहीं सकती, वो तक मेरे वीडियो से खुश हो जाती है। इससे ज़्यादा प्राउड मेरे लिए और क्या हो सकता है। फिर उसने मुझे कुछ दिखाया और उसका टैलेंट देख के मैं शॉक हो गई।
देखो दी ने कितने मस्त मस्त स्केच निकाले हैं। बहुत बढ़िया और फिर हमने कुछ आवाज सुनी जैसे पटाखे बज रहे हो, बट वो पटाखे नहीं बल्कि कुछ लड़के बलून्स को फोड़े जा रहे थे। और सारी तिरंगे की डेकोरेशन खराब कर रहे हैं, और ये सब जब हो रहा हो तो मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुझे मेरे पापा की टेंशन हो रही थी। देख रहा कैमरे में सब दिख रहे तुम। हो गया ना? रानी लक्ष्मी बाई के पास फोटो निकालना है, चलो ना। तो कुछ ऐसा था हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। बहुत कुछ नया देखने को मिला और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कमेंट में लिख दो भारत माता की जय। अभी हम लोग चलते हैं शॉपिंग मॉल। टू बी कंटिन्यूड।